तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुहिबाने औलिया, मुहिबाने औलिया, मुहिबाने औलिया, मुहिबाने औलिया, मुहिबाने औलिया। हज़रत तो वो कुरान शरीफ से इतन की कम लोग आसन इमो यम ज़ल इमो न अमुक ते इंसाफ करते कि कुस दीन है के असतन कुस मज़हब है के असतन कि तो वो शु कुस हाल छु करमुत क्या शरारत छु क्या दलील छे ज़ुइदो गए मंजसन कि ये आओ बिल्कुल खत्म करने बिल्कुल आओ ये शहीद करने कुरान शरीफ विशुद्ध ये हाल ये चीज समा माज दिन ये जैसा निजाम ए मुस्तफा एतिकाद जिंदाबाद एतिकाद जिंदाबाद हमारे ने सुन्नत जिंदाबाद ये आप मौलाना साहब यहाँ पे हैं, मखदूमी साहब यहाँ पे हैं, मैं हूँ। आज से तीन दिन पहले बात सुनो तीन दिन पहले अरफे के दिन जब हमने सुना यहाँ पे अटेम्प्ट किया गया था, यहाँ पे वो लकड़ियां लाई गई थी, मिट्टी की बोतल लाई गई थी और इसका दरवाजा जलाया गया था। यहाँ मीडिया भी था, यहाँ खाने साहब प्रेसिडेंट भी था, यहाँ की एक औरत डिवोटी औरत ने अल्लाह ताला ने जरीफा को टाइम पे लाया था, उस वक्त आग की वारदात बच गई थी। ये हनफी मस्जिद है, जामिया मस्जिद हनफिया, यहाँ पे इसको भी हम अमन पे यकीन रखते हैं, इंशाल्लाह हम किसी को जलाने पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन हमें जलाया गया। हमारा मोई मुकद्दस 1962 में गायब किया गया, चोरी किया गया, लेकिन आज तक किसी ने मुजरिम नहीं दिखाए। हमारा दसगीर साहब जलाया गया, अभी तक किसी ने मुजरिम नहीं दिखाए। मुझ पे ये मीडिया सामने है, जाओ देखो। दसगीर साहब से मैं निकल रहा था, मैं दसगीर साहब की निशानदेही कर रहा था सरीबल में 9 मार्च 2012, दाएं मुझ पे गोलियां चलाई। मेरा उस वक्त शहीद हुआ, मेरा PSOP सदमे में है, तकलीफ में है। हम अलीजा रोड से यहाँ तक काफी मुश्किल हुआ हमें यहाँ आना, क्योंकि लोग जहाँ पर भी हमने देखा सड़कें भरी हुई है, अलीजान रोड पे इतने लोगों का रश है, वहाँ पर धरना लगा हुआ है। हमारी औरतें बहनें माँ बहनें भाई बुजुर्ग सब इस वक्त बच्चे बच्चे सड़कों पे है, उनके दिल रो रहे हैं। अलीजान रोड से हमें ऑटो में आना पड़ा यहाँ तक, लेकिन हम जो ये एतिकाद का जज्बा हमारे दिलों में है, ये जो बोखलाहट है, जिस कमजरफ इंसान ने ये किया है, जिस इंसान ने भी ये किया है, मैंने परसों इतवार के दिन भी अरफे के दिन मैंने कहा, जिसने पहले अरफे के दिन ये आग लगाने की नाकाम कोशिश की, इसका कोई मजहब नहीं हो सकता, कोई मजहब नहीं हो सकता। ये दरिंदा सिफत इंसान है, ये एक मंसूबाबंद साजिश के तहत यहाँ पर ये कार्रवाई अंजाम दी गई, जो एक मंसूबाबंद साजिश थी, काफी दिनों से पनप रही थी, जो ये लग रहा है, क्योंकि इतवार के दिन जब हम यहाँ पर आए तो एक नाकाम कोशिश हुई थी, अंदर जो पेड़ के वो छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं उससे आग लगाने की कोशिश की गई थी। तब से आज 3 दिन हो गए, 3 दिन में दूसरी बार ऐसी वारदात, तो इससे लगता है यह एक मंसूबाबंद साजिश है। सुबह के 3:15 बजे मुझे यहाँ से मकामी लोगों ने फोन किया, मौली साहब ऐसी वारदात हुई, और जब हम आ रहे थे तो मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ आज उर्स था, यहाँ आज हजरत बाबा नसीबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था, और इससे जो पहले वाली शब थी यहाँ पर शबखानी भी थी, तो इससे लगता है कि यह कोई मामूली मसला नहीं है, यह कोई नजरअंदाज करने वाला मसला नहीं है। आज देखो कौन कह रहा है यहाँ पर एतिकाद नहीं है, आप देखो सड़के देखो, अलीजान रोड देखो, वहां से अलीजान रोड से यहाँ तक संगम आना कितना मुश्किल है। आप देखो बच्चे बूढ़े औरतें माए बहने, आज पता चलेगा उन लोगों को कि एतिकाद और मुहिबानी अवलिया अवलियाओं की मोहब्बत हमारे दिलों में है। इन 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 इन
बात सुनो बात सुनो की आमद की बात सुनो, इन बुजदिलाना हरकतों से हमारे एतिकाद में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ये एक बड़ा मसला है, एक सोची समझी साजिश है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को पुरजोर अपील करते हैं और अपनी आवाम से पहले अपील करते हैं कि आप अमन बनाए रखे, अपने जज्बात पे काबू रखे। हम सूफी लोग हैं, हम हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम जो उन्होंने दी है, हम उसकी आबियारी करने वाले लोग हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, हम पीस की अपील करते हैं, अमन की अपील करते हैं। लेकिन जिस तरह इस मसले को नजरअंदाज किया गया, वो भी एक शिकवे की बात है एडमिनिस्ट्रेशन से। अगर हमने इतवार के दिन यहां पर गुजारिश की थी मीडिया के थ्रू से एडमिनिस्ट्रेशन को कि पुलिस महकमे को कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? और आप देखिए इस इंसान, इस कमजरफ, इस बदबख्त इंसान की जुर्रत देखिए, 3 ही दिन में इसने इस वारदात को फिर से अंजाम दिया। 3 ही दिन में आप देखो कि यह कोई एक फर्द नहीं कर सकता है। हमें लग रहा है कि एक साजिश के तहत है, इसके पीछे कोई लॉबी है जिसने ये काम किया है यहाँ पर, क्योंकि 3 दिन में इतनी जुर्रत एक आदमी नहीं ला सकता। तो हम अभी एक सवाल है आपसे, आए दिन हमारे कश्मीर में कुरान मजीद की बेहुर्मती होती है, तब आप बात क्यों नहीं उठाते हैं? सुनिए सुनिए, आप पहले बात सुनिए, मैं इस बात को कंक्लूड करता हूँ। यहाँ भी कुरान शरीफ हमें हम अभी आप कुरान शरीफ हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन से बात सेकंड 30 कुरान शरीफ अंदर नजरियातिश हुए, 33-0 कुरान शरीफ। पहले हम इस मसले पे एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये कोई छोटा मसला नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आवाम का सैलाब देखिए कितना है, अलीजान रोड से यहाँ तक देखिए आवाम का सैलाब कितना है, अली मस्जिद से देखिए यहाँ तक आवाम का सैलाब कितना है। क्या आप हमारे दिलों को मरहम नहीं लगाएंगे? आप मुजरिम को पेश नहीं करेंगे? क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? ये उसी तरह ये मसला, इसको भी सरद थाने में डाल दिया जाएगा। चारी शरीफ का मसला, जिस तरह हजरत पीरानी पीर शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी का मसला, जिस तरह अभी मेरी एक सहाफी बहन ने सवाल किया क्या आए दिनों कुरान शरीफ को भी शहीद किया जाता है, क्या उन्हीं के तहत इसको भी सरदखाने में डाल दिया जाएगा? हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। हम एलजी गवर्नमेंट से एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके हमने अपने आवाम को रोका है, हमने अपने आवाम को कहा है कि सब्र तहमुल से काम लो, पीस बनाए रखो, अमन बनाए रखो, लेकिन ये आपके जिम्मे है कि आप जल्द अज जल्द इन मुजरिमों को पेश करके इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। असली मुजरिम को मोई मुकद्दस के मुजरिम को, चार शरीफ के मुजरिम को, दसगीर साहब के मुजरिम को, बगदादी साहब के मुजरिम को पेश करो। एक बात और, ये सरजमीन अवलिया है, ये कश्मीर, जिसको हम कश्मीर में रेशवर कहते हैं, पिरवर कहते हैं, ये अवलियाओं की सरजमीन है। हम मुस्लिम वक्फ बोर्ड से भी ये गुजारिश करते हैं, मुद्दबाना अपील करते हैं कि आपके पास जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज है, जितने भी आस्थान या आलिया है, बुकजात है, आप फॉरन सिक्योरिटी का कोई सख्त से सख्त ताकि आइंदा हमें ऐसे वाकया देखने को न मिले। अगर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा है, क्या है आप मोहतरमा, क्या आप उसी आस्थान को देखेंगी जो वक्फ के साथ है? आपको तो पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप तो अभी इस महकमे की चेयरपर्सन है। आप समझ लो कि आप इस वक्त वक्फ बोर्ड की माँ है। माँ कैसे एक बच्चे के साथ सोते, एक बच्चे के साथ हमदर्दी और दूसरे बच्चे के साथ सोतेला रवा? आपके ये आपका शोभा नहीं हो सकता। आप पूरी जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे जियारतगाह हैं, आस्थान है, बुकजात है, खानकाह है, मस्जिद है, हम आपको वान करते हैं, कबल वक्त आप उन पे सिक्योरिटी बढ़ाइए, सिक्योरिटी का आप वहां पर इंतजाम कीजिए दिन रात 24 घंटे, क्योंकि अगर वक्फ चलता है ना यहाँ किसी से, वक्फ हमारे पैसे से चलता है। हम अपना पैसा किनको देते हैं?
हम अपने पैसा अवलियाओं के नाम पे इन बुकचार को वक्फ करते हैं, तो आपका हक बनता है कि कबल वक्त। और अफसोस की बात है, अभी तक मैंने देखा यहाँ पर कि एडमिनिस्ट्रेशन से अभी तक कोई यहाँ नहीं आया। क्या ये मामूली मसला है? अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया। कोई डीसी साहब आया? एसपी आया था। डीसी साहब आया? आप जवाब दो, डीसी साहब क्यों नहीं आया? अभी सुबह के 11 बजने को आए डीसी, मुझे 3:15 बजे फोन आया। डीसी साहब कहाँ है? क्या वक्त क्या यहाँ पर मैडम आई है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? ईद मना रहे हैं, हमें मुसीबत पड़ी है, वो ईद मना रहे हैं। कहाँ है वो? पहले FIR हो चुका था 3 दिन पहले, अगर इस पे एप्लीकेशन हो चुकी थी तो पुलिस कहाँ था? कहाँ था पुलिस? ये सवाल है, निशान है। अब हम फिर से एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं, मुदबाना गुजारिश करते हैं, अदबन हम गुजारिश करते हैं, हम पीस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को ये कह रहे हैं कि बराए करम ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर हम मेजोरिटी वाले लोग हैं, हम अहले एहतिकाद लोग हैं, हम अपने औलियाओं के नाम पे अपना सर अपने बच्चे कुर्बान करने वाले लोग हैं। यह आपका फर्ज बनता है, जिस तरह आप दीगर मजाहिब के लोगों की हर एक मुकद्दस चीज की हिफाजत करते हैं और वक्त पे वहां पर पहुंचते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप देखें संगम इलाका, आज संगम इलाके की बात नहीं है, पूरी कश्मीर के लोग इस वक्त रो रहे हैं। मुझे हुक्म अजा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सारी छ मुहिबान औलिया, लिहाजा ये काम से करमच नाकाम, साजिश से करमच ये गई नाकाम, बल्कि उमन छु पता जहरा अवलियान मोहब्बत क्या गम कम। ना ना ना, मिट जाएंगे वो, उनकी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में, और तुहद रोज नाम निशान, लेकिन ये नाव रोज हमेशा मौजूद, इसे कोई फर्क नहीं। अलबत्ता अलबत्ता सन दिल गई मजरू, तमो कर सन दिल मजरू, लिहाजा अच वक्त किस एडमिनिस्ट्रेशनस गुजारिश कर 2000 पर्स जमीन पे फसाद तुलन वाल नॉट रियली बिलीवर्स, सही तौर दीनदार, तमो कोशिश कर तमो यह काम कर अवलियान मोहब्बत थावान, ये मोहब्बत गे कम गसुन। ए मिट जाएंगे आप, हम नहीं मिटेंगे, न इनका चर्चा नहीं मिटेगा। क्या अजल से लेकर शबाश मनु अजल से लेकर इनका चर्चा अल्लाह ने खुद किया है, बल्कि जबरील अमीन अस्तुल मोहब्बत ये सब बुशे मोहब्बत थवान, वो तुल मोहब्बत यह त्रा लुकन हिस दिलस मज लुक वन हटमट वन बाबा नसीब दीर, क्या यह खलीफ गोड़ बोजो गोड़ गवारीख पढ़ यह खलीफ अतान क्वेश्चन हे कुरानस मुतलिक हमने किया है, प्रोटेस्ट किया है, आज कह रहे हैं कुरान के मुतलिक तुमने नहीं किया है, मगर कुरान को अगर किसी ने बचाया है और रूहानी असासा चु अशी अवलियाई कश्मीर कुरान तालीम योर, आज कहते कुरान पे नहीं बोले, हम बोले शबाश हम कुरानस पे, मगर यहां कुरान सीन मज कुरान अवाम कर बर्दाश्त, बर्दाश्त मुहिबान अवलिया कर बर्दाश्त, कित पा गर्दाश्त सोम दिल गो मजबूत तुम कचा नाका वह कचा जलील जलील हरकत करो हाय क्या गोद वो तु हशर क्या आशी? याद रखना कयामत के दिन कामयाब वही होंगे जो अवलियाओं से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि क्योंकि वह कौन मासदीन तु दियो साथ कमन पजार अच्छा दुम हमेशा पजार अपजार कत बोजो यमें कुरान योर यमें दीन योर यमें मजहब योर यह बाबा नसीब दीन गाजी पर रहमत यमो मसाजिद बनाए दौल त्रवान नल पत् लुकन सुमरवान पत् कर मसाजिद कर तैयार शबाश क्या कर खलीफ खलीफ या सब वक्त खलीफ शेख हमजा वन मखदूनी रहमत ये वन आमद गदाए बरदरत अच्छी ऐत दुम एहतिकाद बोजान ये नाकाम कोशिश कर
تم اعتقاد دتمت اعتقاد دتمت اولیاء کرامو شباش اعتقاد دتمت اش تبای ہر وز ونان یوت عادل صاحب ونان تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ شباش تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یمو کر یہی کوشش کی بابا نصیب دل غازی صاحب نے یہ کوشش نمو کر کوشش حضور تک قبر انور مس کڑنس ہوا ہے اس وقت حاکم وقت تھا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہوا ہے شباش کیا ہے ہاں ہوا ہے مکہ میں مدینہ میں واقع ہوا ہے اگر تھی ونو ہے حضور نسا تل حیات یت جواب ونو تھی ونکس عوامس جواب منگان کہ حضور ہو تم ترین ہن شکل تم نین آئے حضور کیا ہو گیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ شباش تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ پیر یہ سہ بابا نصیب دن غازی یم پنس پیرس کن وون ہے چھ ونان ونکس فتوا چھکا دان اس پہ ہے فتوا لگان پانسی پہ یا سہ بابا نصیب دن غازی یم ون ہستم سگے درگاہ تو سر باختم در راہ تو امیدوار از مغفرت جائے تو یا شیخ حمزہ آمد گدائے بردرت بابا نصیب دن غازی کیا کرت امیدوار از مغفرت یا شیخ حمزہ اولیاء سندن جائن اچھی وان تمہی یہ مہی بہن اولیاء آسن تو توہی نہ ہکیو نہیں یت کے کیا توہی رودو گوڑ پٹھائی اندر یس یہ دل خالی چھو توائی ون ڈاکٹر علامہ اقبالن بس بکر اختام دوپن دل سوز سے خالی ہے شباش دل سوز سے خالی ہے توائی توہی تصوف ونا یہ مکو اچھ مکنن سی پرچار چھو کران کشیر مز سون ڈی سی صاحب یا حضی رینزو صاحب بس پٹھ پرچار کران تصوف یمن مز گژھ صوفیت پید گھن صوفی معنی کیا تصوف معنی کیا دنیا سے سہ تعلق بوزان مالکہ حقیقی ست محبت کران سی تصوف پوز وون ڈاکٹر علامہ اقبالن دوپن دل سوز سے خالی ہے یمن نہ چھ سہ سوز محمد وزان کی دل سوز سے نگاہ پاک نہیں ہے یہ چشم کت گئے پاک اے غافل نرا تو صاحب ادراک نہیں ہے یم تلن نہ بستل بوتل یم تلن نہ پیٹرول بوتل یم دن نہ اولیاء نہ تو وچھو نہ کیمرا کری یوکن تلا جو کلو یہ دیکھو یہ دیکھو روزے جلایا گیا ہے ام خود کو سب بد حرکت آش یہ کو سب یا سب بد عمل ہند وجہ آش لہذا اک منٹ موت بان گزارش بکران بچھو پکت بچھو ہاتھ جوڑ کے بچھو گزارش کران وقت وقت کس ایڈمنسٹریشنس لہذا امن کی پسند پیس فل شباش کیا امن امن سان کت کران وقت کس امس درخشا اندرابی صاحب بہ موت بان گزارش کران مہربانی کر مہربانی کر جنہوں نے یہ حرکت کی یمو یہ حرکت ان کے خلاف سنجیدہ نوٹس لیا جائے اور تم لہذا ان کو پیش کرو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اچھا مولانا ہے زندہ ہے تصوف ہمارا زندہ ہے تصوف ہمارا اعتقاد ہمارا عاشقان رسول عاشقان اولیاء اچھن کھوژن وول کش خدا اس وغیر نہ جکن وول کش اس ونو حق کت کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق اچ حق کت ون لہذا تہ حق کت ہت آمت تمام عوامس تھی تھو پور امن پور امن احتجاج یہ پروٹیسٹ کر پور امن شباش امن سات لہذا کران وقت کس ایڈمنسٹریشنس گزارش تم کران ات پہ بھرپور ان شاء اللہ تعاون اس دن تعاون اور یہ وچھو شباش یہ آج ہو رہا ہے اک منٹ بوجھو پگہ تھی پگہ وچھو بیاکھ دور تہ پگہ ونو بہ خدا نعوذ باللہ بچھو ونان پگہ ونو سلطان چھوی نتہ اوتر وون ہے بلڈوزر ہتھ سا آو اخ تم دب نوز بلا ان شاء اللہ جمعہ دہ آس بعد نماز پتہ ان شاء اللہ
یہ پورا امن پروگرام اللہ تعالی دین توفیق یا اللہ سون منگن قبول یا اللہ ام دشمنان دشمنان اولیاء شر یا اللہ ام کرو رسوا آمین کرو رسوا آمین اعتقاد کو بہا آمین اعتقاد کو بہا احمد ہمت ہو جو نہیں نہیں یمن پتہ ہی مٹ گئے نہیں نہیں مٹیں گے وہ ان کا نام نشان تک نہ رہے گا یہ ناو چرودمت زندہ گڑ پٹھے ود کیا ہے ربن فرمو قرآن مجید مز دن ہو تم پتہ ورسا ولی مکلے نہ 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 ان اولیاء شباش این اولیاء ان ولی آسان تم اگر بہت کت کرو حدیث پاک دیز آر دا پوس ورڈس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صاحب صبو بہ ون اولیاء کم گئی حضور فرماو بہ ون تم کالو بلا تاجدار فرماو فرمک اولیاء گئی تم شباش اولیاء گئی خیارکم الذین اذا رو ذکر اللہ یل تہندین روین کن تھی وچو تہندین روین کن وچت پی تھی خدا یاد یم گئی اولیاء اچھن و اچھن یہند روی وچمت لیکن اچھ یہند آستان وچمت اچھ یہند اچھ آستان وچت پی خدا یاد کیوں گئی تو یہ چیم تم یخرجون من النور من الظلمات الى النور یخرجون من الظلمات ان چ ڈائریکٹس انٹو لائٹ ان چ تو انے گٹ مز گڑا کو کن نورس کن لہذا نور وول چھ مراد نور وول چھ دزان اس تو بد خیال اے ولسا اس زلت مکلے نہ 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 تو مٹو تو ایک شو ختم ان کا چرچا ازل سے ہے اور آخر تک رہے گا اور ہم ان کے عرس مناتے ہم ان کے عرس یہ اوسمت ورس پروگرام یہ اور جاری رہے گا آج سے بھی کوئی کر جو نہ تھی ہر جو نا ہمت ہاں تھی گرا گسو نہ تھی کر من ورس یہ موجود سباش یہ دہ تروا بہ تروا محرم آن شاء اللہ یہ ورس خالی راتس ہم عرس منانے ہم عرس منانے کوئی کہے یا کوئی مانے یا نہ مانے ہم مانتے ہیں اور مانتے رہے ہم مانتے